जो लोग ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मामला निपटा देने के बाद देश में मंदिर और मस्जिद की राजनीति खत्म हो गई है, तो वह समझ ले कि देश से मंदिर मस्जिद की राजनीति ना खत्म हुई है और ना ही उसके खत्म होने की कहीं कोई उम्मीद है। जी हाँ, ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में सोमवार को वाराणसी जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इसके बाद कई नेताओं और मुस्लिम लोगों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोर्ट का ये फैसला 1991 के पूजा स्थल अधिनियम यानी कि प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट या उपासना स्थल कानून का उल्लंघन है। तो क्या ऐसा सच है? साथ ही जानेंगे क्या है ये कानून। तो चलिए जरा इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि 1991 का पूजा स्थल कानून में प्रावधान किया गया था कि देश की स्वतंत्रता के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसे वैसे ही बरकरार रखा जाएगा। उपासना स्थल कानून ऐसा कानून है जो 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के स्वरूप को बदलने पर पाबंदी लगाता है। धार्मिक स्थलों के स्वामित्व अधिकार को लेकर विवाद खत्म करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाले कांग्रेस सरकार ने इस कानून में दशकों से जारी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को एकमात्र अपवाद रखा। 1991 में बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। उस समय देश में रथ यात्रा निकाली जा रही थी। इससे पहले 1984 में एक धर्म संसद के दौरान अयोध्या मथुरा काशी पर दावा करने की मांग की गई थी। 1991 में अयोध्या के साथ ही कई अन्य मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे। दबाव में आने के बाद सरकार ये कानून लेकर आई। कुछ सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं की मांग है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को निरस्त किया जाए। उधर दूसरी तरफ कानूनी विशेषज्ञ इसे अस्पष्ट धाराओं के साथ एक कमजोर कानून के रूप में देखते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदू समूहों के नेताओं में POW अधिनियम 1991 को निरस्त करने का आह्वान किया है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने इसे कमजोर कानून करार दिया है। उनका कहना है कि इसमें अनेक मतलब देने वाली धाराएं हैं। इन धाराओं के एक से अधिक मतलब निकाले जा सकते हैं। दरअसल वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के साथ मौजूदा वक्त में मुकदमेबाजी चल रही है। एक तरह से देखा जाए तो इन मामलों में ये अधिनियम खुद ही कटघरे में है। हालांकि ये कानून धार्मिक स्थलों के स्वामित्व या स्थिति के संबंध में कानूनी मामलों को प्रतिबंधित करता है, किन पूजा स्थलों पर लागू नहीं होता है ये कानून। धारा 4 एक अन्य प्रावधान ये कहता है कि कानून का अमल ऐसे किसी भी पूजा स्थल के संबंध में लागू नहीं होगा जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या एक पुरातात्विक स्थल है, अथवा प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 या कुछ समय के लिए लागू कोई अन्य कानून के दायरे में है।